तो बच्चों सारे दिन सिलेबस में घुसे रहते हो, सिलेबस के बाहर भी नॉलेज इम्पोर्टेंट है कि नहीं? है। ये एंट्रेंस एग्जाम है, कोई हलवा नहीं है। अरे यार, पर सिलेबस के बाहर से? अरे जीतू सर सब सॉर्ट कर देगा। जीतू सर? अरे यार, दो चार बाल सफेद के आ गए, तूने तो सर ही बुला दिया। जीतू सर नहीं है, क्या है? भैया। जीतू भैया, इसलिए आज पढ़ेंगे जीतू भैया के फंडे, जो केवल एंट्रेंस एग्जाम नहीं लाइफ के एग्जाम में भी काम आएंगे। तो पढ़ें। जी भैया। पहला फंडा है डैब। किसी भी सक्सेस के लिए डैब किया करो। अबे ये वाला डैब नहीं, डैसे डेरिंग, डेरिंग बनो। ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, वॉर है, और किसी भी वॉर को लड़ने के लिए डेरिंग होना पड़ता है। डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, हमें क्या करना है? मटके का पानी पीना, हाइड्रेट रहना और आगे बढ़ना है। नहीं, वैसे होता है बेफिक्र। बड़े बूढ़ों से सुना तो होगा, चिंता चिता समान होती है। निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहोगे तो लाइफ का असली मज़ा नशे की तरह चढ़ेगा, फिर याद करोगे तुम अपने जीतू भैया को, ठीक है? दूसरा फंडा है बेसिक। तो आज से सब लोग अपने बेसिक ठीक करेंगे। वैसे बे बना लो। अबे वो बे नहीं, किताबों को बे बनाओ। जैसे बे के साथ रात रात भर टाइम स्पेंड करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो कि नहीं, वही रिश्ता किताबों के साथ बनाओ, जीवन सुधर जाएगा। सी से सीरियसनेस। सीरियस बनो, इंजीनियरिंग एग्जाम लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट है, अगर अभी सीरियस नहीं बने तो मजाक बन जाओगे। पंच करना सीखो, पंच लाइन मत बनो। आई बात समझ में? कैसे कॉन्सेंट्रेशन। ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, क्या है? वॉर। वॉर में सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। और उसका एक ही हथियार है कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए ध्यान दो। इतने भी गेम्स मत खेलो कि फ्यूचर से खिलवाड़ हो जाए। जी भैया। और आज का सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट फंडा है, वो क्या है? ऑसम। तो सबको ऑसम बनना है। कोई बात नहीं, ये भी पढ़ लेंगे कोटा फैक्ट्री के दूसरे सीजन में, देखना बहुत काम आएगा।